ससुराल में दो बहनों की पहली गर्मी। सोनम और उसकी छोटी बहन तनीषा एक ही ससुराल में ब्याह करके आई थी, लेकिन जहां बड़ी बहन बड़ी और समझदार और रंगत से सांवली थी, तो वहीं पर तनीषा सुंदर और घमंडी थी, जिसके चलते उनकी सास गोदाम्बरी को भी केवल तनीषा ही पसंद थी, क्योंकि तनीषा को मक्खन मारने का काम बखूबी आता था। अरे सोनम, ओ सोनम, अरे कहां गई? तभी गोदावरी को उसकी छोटी बहू नजर आ जाती है। अरे तनीषा, अगर तू यहाँ काम कर रही तो तेरी बड़ी बहन क्या कमरे में आराम कर रही है? अरे इसको जरा भी शर्म नहीं आती तुझे काम करवाते हुए? तभी वहाँ पर सोनम ये सब सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, छोड़िए ना, वैसे भी मेरी बड़ी बहन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके हिस्से का भी काम मैं ही कर लूं और थोड़ी देर आराम करने दूं। अरे बहू, तू कितनी समझदार है, और एक वो है तेरी बड़ी बहन काले मुंह की, उसको तो जरा भी शर्म नहीं है कि थोड़ा काम खुद भी कर ले, लेकिन देखो तो तुम्हारा कितना मन साफ है। माँ जी, वो जैसी भी है तो मेरी बहन ही, इस बात से मैं नकार नहीं सकती। अरे बहू, तू ये काम छोड़, तेरी वो निकम्मी बहन अपने आप कर लेगी, जा तू जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। अरे माँ जी, बहुत गर्मी है हमारे कमरे में, आप तो जानती ही हो मुझसे इतनी गर्मी थोड़े ना सहन की जा सकती है। अरे बहू, अभी तो तुम्हारे कमरे में कूलर लगवाया था, क्या हुआ, कहीं खराब तो नहीं हुआ? अगर वो खराब हो गया तो एक काम कर, उस कूलर को वापस भंगार की दुकान पर ले जाकर छोड़ देते, जो पैसे आएंगे उससे एक नया कूलर खरीद लेंगे। माँ जी, क्यों ना आप घर में एक एसी ही लगवा लो, एसी होगा तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तभी वहां पर सोनम ये सब सुन लेती है और कहती है, अरे क्या जरूरत है घर में एसी लगवाने की? अरे माँ जी, घर का खर्चा तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, आजकल हमें खर्चों को कम करना चाहिए ताकि हम आगे के लिए पैसे जोड़ रखें। अपना मुंह बंद रखो बड़ी बहू, वही बोला करो जहाँ तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए। अगर मेरी छोटी बहू को एसी में सोना है तो मैं उसके लिए एसी जरूर लगवाऊंगी। गोदाम्बरी अपनी बड़ी बहू को कालेपन की वजह से पसंद नहीं करती थी, वहीं इसी वजह से तनीषा भी अपनी बड़ी बहन को कभी भी कुछ भी नहीं समझती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगी रहती थी। गोदाम्बरी के जाने के बाद सोनम अपनी छोटी बहन से पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें माँ जी के पैसे बचाने चाहिए ना, कि उनके पैसे बेकार की खर्चीली चीजों पर लगाना चाहिए? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हें मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती ना? होगी भी क्यों, जब से हमारी शादी हुई है तब से सारा प्यार हमारी सास का सिर्फ मुझे ही तो मिला है। मेरी माँ से तो तुमने मेरे हिस्से का प्यार छीन ही लिया था, अब यहाँ भी तुम भी ऐसा ही चाहती हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो भला, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं सिर्फ समझा रही हूँ तुम्हें सही और गलत के बारे में, लेकिन तुम हो कि तुम मुझे ही गलत ठहरा रही हो। मैं सब जानती हूँ, मुझे फालतू की बातें सुननी ही नहीं है तुम्हारी, इसलिए जाओ और जाके अपना काम करो। मुझे तनीषा ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी सोनम वहीं रोती रह जाती है। पता नहीं क्यों तनीषा के मन में मुझे लेकर इतना काला है, जबकि मैंने कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचा, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। सोनम को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वहीं अगले दिन गोदाम्बरी घर में एसी लगवा देती है, जिसके चलते तनीषा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, क्या बात है, देखा इस भरी गर्मी में अब हमें गर्मी में सड़ना नहीं पड़ेगा। अरे बहू, तेरी ये इस ससुराल की पहली गर्मी है, और तुझे इस गर्मी में भी शिमला का एहसास होगा जब अपने ससुराल में। तनीषा और गोदाम्बरी बहुत खुश हो रही थी कि तभी तनीषा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये सब तो ठीक है, लेकिन अब गला सूख रहा है, इस एसी के आने की खुशी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। गोदाम्बरी तुरंत अपनी तनीषा के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू एसी की ठंडी हवा में बैठकर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रही होती हैं। वहीं राहुल घर में एसी देखते ही हैरान रह जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज ये एसी एसी क्यों लगवा लिया घर में? अरे मेरी बहू की ये पहली गर्मी है, इसके ससुराल में भला मेरे होते हुए मेरी प्यारी लाडली बहू गर्मी में कैसे परेशान हो सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया माँ आपने, अब घर और ऑफिस एक जैसा हो गया। अरे किसने कहा, ये एसी मेरी बहू और मेरे लिए आया है। ये सुनते ही राहुल और तनीषा दोनों हंसने लगते हैं। एक तरफ तो गोदाम्बरी अपनी बहू के साथ एसी में बैठकर बातें कर रही होती है, तो वहीं बेचारी सोनम भरी गर्मी और धूप में आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है, उसका पसीने से बहुत बुरा हाल होता है। हे भगवान, आज तो बहुत ही गर्मी है, जरा भी ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, मगर
काम समय पर पूरा नहीं किया तो माँ जी भी मुझे बहुत डांटेंगी। सोनम अपनी सास के डर से चुपचाप गर्मी में कपड़े धो रही होती है। सारे काम खत्म करने के बाद जब वो थोड़ी सी फ्री होती है, वो थोड़ी देर के लिए एसी वाले कमरे में आ जाती है और एसी की हवा खाने लगती है। लेकिन तनीषा को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वो एसी बंद कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसी की हवा खाने की? एसी मेरा है और यहाँ मेरे और माँ जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। तनीषा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला अपनी बड़ी बहन के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? देखो जरा मेरी हालत गर्मी की वजह से क्या हो रखी है। अगर थोड़ी सी एसी की हवा खा लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे कल्लो माई, एसी तेरे लिए नहीं आया, जा चली जाए यहाँ से। सोनम की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो हाथ वाला पंखा लेकर घर की दहलीज में जाकर बैठ जाती है और अपनी खराब किस्मत के चलते रोती रहती है। लेकिन तभी अचानक से राहुल को ऑफिस से एक कॉल आता है। जी सर, मैं राहुल ही बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तुम्हें कंपनी फायर करती है, कल से ऑफिस मत आना। राहुल की जॉब चली जाती है जिसके चलते तनीषा एक एक रुपए से भी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरुण का प्रमोशन हो जाता है जिसके चलते पूरा घर उसी की नौकरी की वजह से चलता है। अरुण अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है लेकिन इस बात का सोनम को जरा भी घमंड नहीं होता, जिसके चलते गोदामरी और तनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों मिलकर सोनम से माफी मांगती हैं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे पता चला आपने क्या कुछ नहीं सहा और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। अगर आपने इस घर को समझदारी से संभाला ना होता तो पता नहीं क्या होता। बहू, मैंने तेरा काला रंग तो देखा लेकिन तेरे मन की खूबसूरती को कभी ना देख पाई। हो सके तो मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। आपको इस बात का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ जी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सोनम अपनी समझदारी से घर चलाती है जिसके बाद वो अपनी सास और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में गंगा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी तीन विधवा बहुओं के साथ रहती थी। माँ तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोल बेटा, मेरे तीन बच्चे तो अपनी माँ से भी पहले इस दुनिया से चले गए, अब तुम दोनों ही मेरा आखिरी सहारा हो। बोल तुझे क्या कहना है। माँ हम दोनों को ही दो लड़कियों से प्रेम हो गया है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। सच? पर कौन है वो खुशनसीब देवर जी? वो यहीं पास के शहर में ही रहती है। शहर की लड़कियां? ना बाबा ना, शहर की लड़कियों के तो बड़े नखरे और खर्चे होते हैं। अब मान भी जाओ ना माँ। हाँ माँ, अगर हमारे देवर उन लड़कियों को पसंद करते हैं तो मान जाओ। हाँ अब हमारे दोनों देवर भी शादी के लायक हो गए हैं, तो अगर उनकी शादी उनकी पसंद की लड़कियों के ही साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। गंगा अपने दोनों बेटों की शादी शीला और मीना के साथ करवा देती है। गंगा की तीनों विधवा बहुओं ने पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल रखा था, लेकिन मीना और शीला के आने से घर में थोड़ा कलेश का माहौल बनना शुरू हो गया था। नानी भाभी, नानी भाभी। हाँ बोलो मीना, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी माँ ने मुझे हमारी गाय की गौशाला धोने को बोला है। हाँ तो? जाइए जाकर आप धो दीजिए। लेकिन आज मम्मी जी के मामा जी घर पर आ रहे हैं और मैं उनके आने की ही तैयारियां कर रही हूँ। हाँ तो अगर आप कर भी रही हो तो क्या मुझ पर कोई एहसान कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं वो गौशाला नहीं धोने वाली हूँ, बस। धानी बेचारी खुद ही गौशाला साफ कर देती है। चलो ये भी साफ हो गई, अब बस मामा जी भी आते ही होंगे। मामा जी आ जाते हैं, सारी बहुएं मिलकर उनका स्वागत बहुत अच्छे से करती हैं। अरे भाई गंगा, तुम्हारी दोनों नई बहुओं से तो मिलवाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मिलवाती हूँ। मीना, शीला। हाँ आ रही हूँ मम्मी जी, आई। दोनों सुहागन बहुएं बहुत सज धज के मामा जी के सामने आती हैं। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आओ बहू आओ आओ आओ। अरे अब देखते ही रहोगी बहुओ, जाओ मामा जी के लिए कुछ खाने को तो ले आओ। अभी लाई माँ। शीला अमला का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से मामा जी को परोसती है। अरे भाई वाह, खाने का तो जवाब ही नहीं है भाई, गंगा तेरी दोनों बहुएं तो लाजवाब हैं, मजा आ गया भाई। मामा जी चले जाते हैं। तीनों विधवा जेठानियों को बहुत बुरा लगता है
क्योंकि सारा काम तो उन्होंने किया था। तीनों जिठानियों की अब घर में बस नौकरानियों जैसी हालत थी। सास गंगा भी बस अपनी सुहागन बहुओं को ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन मीना और शीला भरी गर्मी की दोपहरी में अपने कूलर वाले कमरों में पड़ी आराम फरमा रही थी। शीला, बाहर बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, जाकर धो दो। क्या, मैं कपड़े धोऊं? बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी में मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं धोने वाली। इतनी तेज धूप में मेरा रंग काला पड़ जाएगा। ये क्या बात हुई? हाँ भाभी, आपको तो अपने रंग रूप की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप तो विधवा हो ना। बस अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, जाओ जाकर कपड़े धो। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसा कहने वाली? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तो इसलिए जो भी मैं कहूँगी तुम्हें मानना पड़ेगा, समझी? तुम मेरी जेठानी, मुझसे बड़ी? तुम सिर्फ इस घर में एक नौकरानी की तरह हो। तुम तीनों के जब पति ही इस घर में नहीं रहे, तो फिर आप यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? मीरा को शीला की बातें अंदर से बिल्कुल तोड़ देती हैं। तो वहीं उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर गंगा और दोनों जेठानियाँ धानी और अमला वहाँ आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, क्यों लड़े जा रही हो? क्या हुआ मीरा? ओहो, तुम सभी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, हमेशा लड़ाई लड़ाई। अरे मिलजुल कर साथ साथ नहीं रहा जाता तुमसे? माँ, आज मेरी देवरानी शीला ने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। क्या बात हुई है तुम्हारे बीच मीरा और शीला? कोई कुछ बताओ तो सही। हाँ, नहीं है मेरे पति अब इस दुनिया में। हाँ, नहीं हूँ मैं अब सुहागन, पर हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू ही, कोई नौकरानी नहीं हूँ मैं। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। घर में लड़ाई ही चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे तुम यहाँ लड़ती रहो, मैं तो जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। दरवाजा खोलते ही गंगा हैरान रह जाती है। अर्जुन, नकुल, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरे बच्चों बताओ क्या बात है? गंगा की आवाज सुनकर सभी भागते हुए नीचे आते हैं और सभी बहुत चौंक जाते हैं। देवर जी, ये सब कैसे हुआ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? नकुल और अर्जुन दोनों की ही बाजू और टांगों पर पट्टियां थीं। ये देख सभी हैरान थे। अर्जुन जी, आपकी ये हालत कैसे हुई, कुछ तो बताइए। मैं और नकुल, हम दोनों अपनी दुकान पर जा ही रहे थे कि अचानक हमारी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने हमें देख लिया और पास के अस्पताल में ले गए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम इस दुनिया में नहीं होते। मेरे बच्चों, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इसीलिए तो कहते हैं कि वक्त का कुछ भी पता नहीं होता। कभी भी अपने ऊपर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए जैसे कि वो खुद ही इस पूरी कायनात का मालिक हो। मौत जिंदगी हमारे हाथों में थोड़ी ही है, और कहा जाता है कि हम जैसा सुलूक इस दुनिया के साथ करते हैं, पलट में वो ही हमें मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी। मीरा की बात सुनकर मीना और शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी होती हैं। मुझे माफ कर देना भाभी जी, मैंने हमेशा आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, सुहागन होना हमारा सौभाग्य है, लेकिन भगवान को एक सुहागन को एक विधवा में बदलने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। आज नकुल और अर्जुन जी के साथ हुए हादसे ने हमारी आंखों को खोल दिया है। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, सुहागन और विधवा तो बस शब्द है जो औरत के लिए इस दुनिया ने बना दिए है, वरना इंसान तो सभी एक जैसे ही है। लगता है देवर जी, आपकी बीवियां समझ गई है, अब आप ही बस कीजिए। नकुल और अर्जुन अपनी पट्टियों को निकाल कर फेंक देते हैं। आप ठीक हो? आपने चोट लगने का नाटक किया, लेकिन क्यों? भाभी ने हमें ऐसा करने को बोला था ताकि तुम दोनों समझ जाओ, इसीलिए हमने ऐसा किया, और लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ भी गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो, और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं भी। शीला और मीना की नजरें झुकी हुई थीं। उन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था, लेकिन इसी के साथ वो सब कुछ समझ भी गई थीं। वो दोनों अब खुशी खुशी अपनी जिठानियों के साथ घर के सारे काम कराती और सभी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते।